الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون صدق الله العظيم पारा नंबर 28 की दूसरे नंबर की ये सूरत सूरह हश्र ये चल रही थी। इस सूरत का एक रुकू था उसका मुकम्मल हो चुका था और दो रुकू उसके बाकी हैं। आज की इस मजलिस में सूरह हश्र की जिन आयतों की तिलावत की गई है इन आयतों को समझने के लिए थोड़ा सा हमें इस सूरत का शान नुज़ूल जो इसके पहले बताया था समझना पड़ेगा, तब जाकर ये आयतें आज की समझ में आएंगी। जब ये सूरत शुरू हुई थी उस वक्त इस सूरत का शान नुज़ूल यानी कि ये सूरत क्यों नाजिल हुई, इसका बैकग्राउंड क्या है इस सूरत का, ये आपको बताया था कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत फरमा के मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो सबसे पहले जो काम किया था मदीना मुनव्वर आने के बाद कि वहाँ रहने वाले जितने भी जो ख़ानदान थे जो कबीले थे इनको आपस में जमा किया, ख़ाव मुसलमान हो यहूदी हो मुनाफिकीन हो सबको जमा किया और जमा करने के बाद सबके सामने प्यारा आका ताजदार मदीना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ बातें रखी थी कि देखो इस्लाम लाने की किसी के ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई मुसलमान है कोई यहूदी है कोई मुशरिकीन है, हर आदमी अपने अपने दीन पर अपने अपने मज़हब पर अपने अपने अकीदे पर अमल कर सकता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन हम जिस शहर मदीना में रह रहे हैं इस शहर की हिफाजत के लिए और इस शहर में रहने वाले हम तमाम की हिफायत के लिए मैं कुछ बातें आपको कह रहा हूँ। वो बात ये है कि हम सब आपस में मिलकर रहेंगे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ प्लानिंग, एक दूसरे के ख़िलाफ़ साजिशें, एक दूसरे के ख़िलाफ़ कोई स्कीम हम नहीं बनाएंगे आपस में, मतलब कि हम नहीं लड़ेंगे। हमारे मुल्क की जब हिफाजत की बात आएगी, बाहर से कोई दूसरी कौम, बाहर से कोई दूसरा कबीला, बाहर से कोई दूसरी कंट्री, कोई दूसरा शहर हमारे मुल्क और हमारे शहर पर हमला करेगा, हम सब साथ मिलकर उसका डिफेंस करेंगे, चाहे फिर वो कोई भी हो। सारे लोग इस पर तैयार हो गए कि अच्छी ये तजवीज़ है, ये अच्छे एग्रीमेंट है और भी बहुत सारी इसमें जिसको मिसा के मदीना के नाम से शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी तफसील के साथ वो सारी चीज़ें लिखी है अपनी किताब हुज्जतुल बालिगा के अंदर कि कितनी सारी
एग्रीमेंट और इसमें कितनी सारी कलमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त लिखी और इन तमाम कलमों को इन सब ने पसंद किया और तमाम कबीले के एक एक सरदारों के उस पर दस्तखत लिए गए। उसमें एक शिक ये भी थी, एक कलम एक धारा ये भी लिखी गई थी कि भाई हम आपस में लड़ेंगे नहीं, कोई दूसरा हम पर हमला करेगा तो हम सब साथ मिलकर उसका डिफेंस करेंगे। कुछ दिन हुए इस पर सारे लोगों ने अमल किया, यहूदियों ने भी और दूसरी कौमों ने भी। गज़वा उहुद के बाद जब हिजरत करके आए मदीना, तो सबसे पहले जो जंग हुई मदीने में हिजरत करने के बाद सन हिजरी 1 में गज़वा बदर, उसके बाद फिर दो दूसरे साल सन हिजरी 2 में कौन सी हुई गज़वा उहुद। तो गज़वा उहुद तक तो ये बनू नज़ीर अपने इस एग्रीमेंट में अपने इस मुआहदे में बराबर चलता रहा, लेकिन गज़वा उहुद के बाद देखा कि मुसलमान जो है धीरे धीरे जीत रहा है, इस तरीके से इनका मकाम बढ़ रहा है। तो इसने छुपके से, इसका जो सरदार था बनू नज़ीर का काब इब्ने अशरफ, बड़ा ये शातिर था, चालाक था और अक्सर ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ क्या करता था, अक्सर ये क्या करता था। इसने छुपके से अपने कुछ साथियों को लेकर मदीने से मक्का रवाना हुआ और वहाँ के मुश्रिकीन जो गज़वे बदर में हार गए थे, जिनकी हिम्मतें गज़वे बदर के बाद टूट चुकी थी, इन सबको जमा किया कि देखो हम अगरचे मदीने में हैं, हमारा अगरचे मुआहदा मुसलमानों से हुआ है, लेकिन हम छुपके से तुम्हारे साथ हैं। इस तरीके से उनको मदद का यकीन दिलाया, हिम्मत दिलाई और कहा कि तुम वहाँ से आओ, इधर से हम तुम्हारे साथ मिलेंगे और फिर से सब एक साथ मिलकर हम दोबारा मुसलमानों पर हमला कर देंगे। इस तरीके से वहाँ के लोगों को जमा किया और वहाँ के लोगों को जमा करने के बाद फिर इसकी इस बात को वज़न रखने के लिए सारे लोग मताफ में गए, काबा काबे के अंदर दाखिल हुए और काबे के गिलाफ को पकड़ कर सारों ने कस्में खाई कि हम एक दूसरे का साथ दें। और इधर से फिर वो वापस मदीना आ गया। इस बात की अल्लाह के नबी सल्लम को खबर नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ा खबीर है, जिसको पूरी दुनिया की चीज़ों की खबर है, उसने अल्लाह के नबी सल्लम को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से सारी चीज़ें बता दी। इस तरीके से ये जो यहूदियों का ये जो कबीला है बनू नज़ीर, जिन्होंने आपके साथ मुआहदा किया है कि हम किसी दूसरे के खिलाफ आपस में नहीं लड़ेंगे, और ये इस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ इसकी भी बना रहा है। जब अल्लाह के नबी सल्लम को जब इसकी इत्तला हुई तो फौरन मुसलमानों के लश्कर को जमा किया, कहा कि भाई ये बहुत बड़ी इस्लाम के खिलाफ इनकी साजिश, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसलिए इसका मुसलमानों पर जो इसका असर होने वाला था और इनके इस तरीके से इस मुआहदे को तोड़ने की वजह से मुसलमानों का आइंदा भविष्य में जो नुकसान होने वाला था, वो अल्लाह के नबी सल्लम देख रहे थे, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लम ने इसको बर्दाश्त नहीं किया कि ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। चुनांचे इनको ये अल्टीमेटम दे दिया और नोटिस दे दी कि हम तुम्हारे खिलाफ जंग करने के लिए तैयार हैं। तो जब ये यहूदियों के किले में, जब ये बनू नज़ीर में जब ये बात फैली, चूँकि मदीने से 2 मील के फासले पर ये किला था इनका बनू नज़ीर का, और इनको ये खबर पता चल गई कि मुसलमानों को हमारे सरदार की सारी बातें खबर हो चली है और इस तरीके से लड़ने के लिए आ रहे हैं, तो सारे लोग किले में जमा हो गए और किले में जमा होकर अंदर छुप गए। और इधर मुसलमानों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में इनके पूरे किले के चारों तरफ से मुहासरा कर लिया, घेर लिया उसको। अब इस मौके पर यह आयतें नाजिल हुई हैं। ये आयतें अगरचे दूसरे रुकू के अंदर है, लेकिन नाजिल होने के अतबार से ये आयतें पहले नंबर पर हैं, चूँकि वाक़िया जो बयान हुआ है बनू नज़ीर का वो बड़ा अहम था, तो उस वाक़ियों को समझाने के लिए वो आयतें पहले अल्लाह के नबी अल्लाह ने बयान कुरान में नाजिल फरमा दी। लेकिन नाजिल होने के अतबार से ये आज का जो रुकू हमने पढ़ा है दूसरे नंबर का, वो पहले नाजिल हुआ है। जब ये मुहासरा हुआ, जब एक घेर लिया किसने, मुसलमानों ने, किसको, यहूदियों के इन बनू नज़ीर के कबीले के, उस वक्त ये जो मुनाफिकीन थे मदीने में। अब मुनाफिकीन कौन थे, तो ये वही जो आपने सुना अंसार का जो कबीला था सहाबा का, इन्हीं के ख़ानदान के लोग थे ये। उसमें से कुछ लोग ये मुसलमान होने से रह गए और उन्होंने निफाक का और एक दोगले पने का इजहार किया, जाहिर में मुसलमान थे और अंदर में निफाक कुफ्र शिर्क भरा हुआ था। तो ये अगरचे जाहिर में मुसलमान थे, लेकिन साथ किसके थे, यहूदियों के साथ थे। तो इनका जो सरदार था अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल, इसने इन लोगों को हिम्मत दिलाई, इनको यहूदियों को कहा कि घबराओ मत मुसलमानों की इस नोटिस और अल्टीमेटम से, हम तुम्हारे साथ हैं। ये उसने कहला भेजा, मेरे पास 2000 का लश्कर है मेरा अपना, और इसके अलावा और भी बहुत सारे कबीले गितफान हैं, और भी बहुत सारे कबीले हैं, तुम घबराओ मत, अपने किले में बिंदास रहो, मुसलमानों से डरना मत अगर जो तुम्हारा घेराव किया। इस तरीके से इन मुनाफिकीन ने इन यहूदियों को हिम्मत दिलाई।
یہ ان کی جو گفتگو بھی ان منافقین کی یہودیوں سے، ان گفتگو کو اللہ نے اس قرآن کریم کے اس آیت اس رکو اس جو ہے سورت کے دوسرے رکو میں اس کو بیان فرمایا ہے. اب آپ سمجھ گئے پیچھے کا پورا بیک گراؤنڈ. اب اس آیت کا اب ترجمہ سنیے. الم تر الی الذین نافقوا، کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں ان منافقین کی حرکتوں کو؟ یقولون، کہہ رہے ہیں لاخوانہم، اپنے ان بھائیوں سے، الذین کفروا من اہل الکتاب، کہ اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا. اب یہ بھائی کا لفظ آ رہا ہے، چونکہ یہ بھی مسلمان نہیں تھے، وہ بھی مسلمان نہیں ہیں، وہ یہودی تھے، یہ منافق تھے، تو اس اعتبار سے دونوں آپس میں دوسرے کو بھائی کہہ رہے تھے. تو کیا ہے، اے نبی جی آپ دیکھ نہیں رہے ہیں منافقین کو؟ یہ لوگ اپنے ان بھائیوں سے جنہوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا نہیں، ان بنو نذیر سے، یہ کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ لئن اخرجتم لنخرجن معکم. کیا کہہ رہے ہیں منافقین یہودیوں سے؟ کہ اگر تم نکال دی بھی گئے ان قلعے سے، ہم تمہارے ساتھ آئیں گے، گھبراؤ مت، ہم تمہارے پیچھے پیچھے ہیں. لنخرجن معکم، ہم تمہارے ساتھ نکل جائیں گے. ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور تمہارے بارے میں ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے. نہیں، تمہارا جہاں معاملہ آئے گا تمہاری حفاظت کا، وہاں احدن کسی کی بات نہیں مانیں گے. احدن کا لفظ لا کر، اگر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو نہیں لیا ہے ظاہر میں، لیکن اشارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. نہیں، کتنا بغض بھرا ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. وہ یوں کہہ رہے ہیں ان یہودیوں سے منافقین کہ تمہارے بارے میں ہم نبی کی بات بھی نہیں مانیں گے، حالانکہ ظاہر میں مسلمانوں کا دم بھر رہا ہے، مسلمان ہیں، نام مسلمانوں جیسے ہیں، لیکن کیا کہہ رہے ہیں منافقین یہودیوں سے کہ ہم تمہارے بارے میں کسی کی بھی بات نہیں مانیں گے. یہ ایک بات کہی. دوسری بات کہی، وَإِن قُتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اگر وہ مسلمان تم سے جنگ بھی کریں گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے، تم کو ہتھیار پہنچائیں گے اور تمہاری مدد کریں گے، ہم تم پیٹھ بڑھ کی طرح تمہارے لیے کھڑے ہو جائیں گے. ایسا مدد کا یقین کا وعدہ دلایا اللہ ان کی اس دکھتی رگ کو قرآن میں بیان کر رہا ہے. واللہ یشہد انہم لکاذبون، اے نبی جی اللہ گواہ یہ سب جھوٹے ہیں، اس لیے کہ یہ تو پکے بزدل تھے منافق. اگر ان کے دل میں بزدلی نہ ہوتی اور جرت اور ہمت ہوتی تو پھر کیوں انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا؟ ان کے اندر اللہ کی محبت نہیں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں تھی، ایمان کی محبت نہیں تھی، جان کی مال کی محبت تھی، تبھی تو انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. ڈرتے تھے یہ کہ مسلمان ہوں گے تو جہاد میں مریں گے، شہادت ملے گی تو ہمارا جو ہے جان لٹے گا، ہماری مال چلی جائے گی، ہماری بیوی بیوہ ہو جائیں گی، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ منافقین یہودیوں کو جو مدد کا وعدہ دلا رہے جھوٹے ہیں، یہ تو پکے بزدل ہیں، کیا ان کی مدد کریں گے یہ. لئن اخرجوا لا یخرجون معہم، کہ اگر یہ یہودی نکال دیے بھی گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے. ولئن قوتلوا لا ینصرونہم، اور ان کے ساتھ مسلمانوں نے جنگ بھی کی تو یہودی کی یہ منافقین ان یہودیوں کی مدد بھی نہیں کریں گے. ولئن نصروہم، اور اگر تھوڑی کچھ مدد کریں گے بھی تو لیولن الادبار، پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، ان کے اندر ہمت نہیں ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں یہ لوگ کھڑے رہے. ثم لا ینصرون، پھر ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا. چنانچہ ایسا ہی ہوا، آپ نے اس وقت بتایا کہ جب محاصرہ کیا، گھیر لیا، اب یہ یہودی تو ان منافقین کے انتظار میں ہیں کہ دیکھو انہوں نے ہم کو مدد کا وعدہ، مدد کا یقین دلایا، ابھی آئیں گے، ابھی آئیں گے، ابھی آئیں گے، لیکن کچھ نہیں، انتظار کر رہے. اسی انتظار میں 23 دن گزر گئے، کبھی آئیں گے یہ لوگ، ہم ساتھ میں مل کے مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے، لیکن ایک بھی منافق ان کی مدد کے لیے نہیں آیا. اور 23 دنوں کے بعد جب ان کی ہمتیں ٹوٹ گئی، پست ہو گئی، تو پھر انہوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے. یہ کیا کہا مسلمانوں سے کہ جو تم ہمارے بارے میں فیصلہ کرو. چنانچہ پھر بغیر جنگ کیے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ بھائی تمہارا جتنا بھی سامان تم ساتھ میں لے جا سکتے ہو لے جاؤ، لیکن تم کو مدینے میں اب رہنے کی اجازت نہیں ہے. چنانچہ وہ اپنا سارا سامان جو ہاتھ میں لے جا سکتے تھے، بڑے بڑے ان کی حویلیاں تھیں اور بڑے بڑے ان میں فرنیچرس تھے، جو توڑ سکتے تھے سارے توڑ توڑ کر بھاگ بھاگ کر لے کر چلے گئے. اور پھر اس میں جیسے جو مال غنیمت آیا مسلمانوں میں تقسیم ہوا، اس کی پوری تفصیل پیچھے بتائی گئی. تو بہرحال اس طریقے سے ان منافقین نے جھوٹ بول کر ان کی مدد نہیں کی، جس کا نقشہ اللہ نے قرآن کریم کی ان آیتوں میں کھینچا. آگے اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں انہوں نے تمہاری مدد نہیں کی. لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ، کہ مسلمانوں تمہارا خوف ان کے دلوں میں اللہ کے مقابلے میں زیادہ ہے. اگر ایمان والے ہوتے تو ان کے دل میں کس کا خوف ہوتا؟ اللہ کا خوف ہوتا. اور جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا وہ دنیا کی کسی مخلوق سے نہیں ڈرتا ہے. لیکن وہ تو مسلمان ہے ہی نہیں، دل میں ایمان نہیں ہے، تو اللہ کی عظمت نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے،
तो फिर इनके दिलों में तो मखलूक का खौफ है। क्या खौफ है कि अगर मुसलमानों को, अल्लाह के नबी सल्लम को, सहाबा को हमारी इन हरकतों का और हमारी इन खुफिया प्लानिंग का पता चल जाएगा तो फिर हमारी तो खैर नहीं। ये डरते हैं मुसलमानों से, अगरचे यहूदियों को मदद का यकीन जा रहा है लेकिन इनके दिलों में मुसलमानों का डर है। कई मुसलमानों को पता चल गया वही के ज़रिए से तो हमारी खैर नहीं। लअंतुम अशद्दु रहबतन फी सुदूरिहिम मिनल्लाह, कि ये मुसलमानों इनके दिल में तुम्हारा खौफ अल्लाह के मुकाबले में ज़्यादा है। ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ, और ये इसलिए कि ये ऐसी कौम है कि इनके अंदर समझ नहीं है। जब जिसके दिल में ईमान नहीं होता है तो फिर अल्लाह ताला उसकी अकल का सत्यानाश कर देते हैं, अल्लाह उसकी अकल को बेसमझ बना देते हैं। कुरान करीम में इन काफिरों के बारे में अल्लाह ने कई जगह पर ये लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है, लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, दिल है लेकिन अल्लाह ने समझने की तासीर ख़त्म कर दी, अकल है लेकिन अल्लाह ने सोचने की सलाहियत ख़त्म कर दी। बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े साइंटिस्ट आप देख रहे हैं, कैसी कैसी रिसर्च सामने आ रही है, कैसी कैसी जो है प्रयोग कर रहे हैं और कैसी कैसी दुनिया के असबाब के तौर पर लोगों के सामने टेक्नोलॉजी पेश कर रहे हैं, लोग हैरान हैं। लेकिन क्या वजह है कि वो ईमान नहीं ला रहे हैं? यही वजह है कि इनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं है, अल्लाह की अजमत नहीं है। खूब समझाया गया, खूब उनको समझाया गया, अल्लाह ने इनके दिलों के ऊपर मोहर लगा दी है। अब इनके अंदर समझने की सलाहियत नहीं है, इनके अंदर सोचने की सलाहियत अल्लाह ने ख़त्म कर दी। यही हाल मुनाफिकीन का है। ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ, ये लोग हैं कि अल्लाह ताला ये ऐसी कौम है कि इनके अंदर समझ नहीं है। आगे अल्लाह ताला इनके एक दुखती रग को बयान कर रहे हैं इन यहूदियों की, لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُورٍ, कि मुसलमानों ये तुम्हारे साथ सब एक साथ मिलकर तुम्हारे से कभी मैदान में आकर लड़ ही नहीं सकते ये यहूदी। अगरचे ये मुनाफिकीन इनको हिम्मत दिलावे इन यहूदियों को, और इनकी हिम्मत की वजह से ये यहूदी मैदान में आकर तुम्हारे से लड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता है। देखिए कुरान करीम ने यहूदियों की इस दुखती रग को बयान कर दिया, ला युकातिलूनकुम जमीअन, कि एक साथ सारे यहूदी मिलकर मैदान में उतरकर मुसलमानों से कभी मुकाबला नहीं कर सकते। तो कैसे मुकाबला करेंगे? अगर इनको मुकाबला भी करना पड़े, मुसलमानों से लड़ना भी पड़े, तो इल्ला फी कुरम मुहसरतिन, कि अपने जो किले हैं, हिफाजत के जो किले हैं, इनमें छुपकर या दीवारों के पीछे से लड़ेंगे, दीवारों के पीछे से, लेकिन सामने आकर कभी नहीं लड़ेंगे। तारीख गवाह है, उस वक्त से लेकर आज तक जो यहूदी कौम है, जो ईसाई कौम है, गवाह है तारीख कि कभी इन्होंने मुसलमानों का मुकाबला सामने आकर नहीं किया है। अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी ने इस आयत की ज़िम्मे में एक बुज़ुर्ग का कौल नकल किया है कि इसी आयत की वजह से वो एक बुज़ुर्ग ये फरमाते थे कि इनके अंदर जो है मैदान में आकर मुकाबला करने की ताकत नहीं है, बल्कि ये छुप कर लड़ते हैं, इसीलिए इन्होंने मिसाइल बनाए, इसलिए इन्होंने बम बनाए, इसलिए इन्होंने रॉकेट बनाए। आज भी देखो ये लोग मुकाबला करते हैं तो किस तरह करते हैं, बम गिरा कर, रॉकेट गिरा कर, मिसाइल छोड़ कर करते, लेकिन सामने आने की हिम्मत नहीं, चूँकि इनके अंदर अल्लाह की ईमान नहीं है, आखिरत का यकीन नहीं है, मरने का यकीन कि मरेंगे तो ख़त्म हो गए, दूसरी कोई ज़िंदगी है ही नहीं, इसलिए इनके दिल में इखलास नहीं है, अल्लाह की अजमत नहीं है, आखिरत का यकीन नहीं है, इसलिए सामने आकर मुकाबला नहीं करते। और इसके मुकाबले में मुसलमान जिसके दिल में अल्लाह की अजमत है, ईमान है, आखिरत का यकीन है कि भाई लड़ेंगे तो क्या होगा, दो बातें होगी, या तो जीतेंगे तो माल गनीमत मिलेगा और मरेंगे तो शहादत का मर्तबा मिलेगा, दोनों हाथ में हमारे तो लड्डू है, इसलिए मुसलमान मैदान में आकर मुकाबला करता है। और इसके मुकाबले में ये लोग मैदान छोड़कर छुप छुप कर जो है इस तरीके से रॉकेट बरसाकर मुसलमानों पर हमला करते हैं। ला युकातिलूनकुम जमीअन, के लोग तुम्हारे मुकाबले में एक साथ मैदान में आकर लड़ ही नहीं सकते हैं, इल्ला ये कि वो किसी हिफाजत वाले किले में छुप कर या किसी दीवार के पीछे से छुप कर तुम्हारे मुकाबले में आ सकते हैं। बअसुहुम बैनहुम शदीद, अगर अल्लाह दूसरी इनकी ज़बरदस्त पोल खोल रहा है कि इनके अंदर तो आपस में इतनी सख्त लड़ाई है, तुम उनको गुमान करते हो कि वो एक है लेकिन इनके दिल आपस में फटे हुए हैं। तहसबुहुम जमीअन व कुलूबुहुम शत्ता, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये जितने भी जो है यहूदी और ये ईसाई और इनको साथ देने वाले सब आपस में एक हैं। अल्लाह कह रहा है कि इनकी आपस के अंदर कैसी कैसी अंदर में दुश्मनियाँ हैं, आपस में एक दूसरे की टांग खींचने में कितने मशगूल है, तुम्हें क्या मालूम, इस्लाम पे खिलाफ तो सारे एक हमें नज़र आएंगे। आज भी आप देखिए, जहाँ इस्लाम की बात आएगी, जहाँ हक की बात आएगी, जहाँ ईमान की बात आएगी, सारी दुनिया की बातें ताकतें एक हो जाएगी। लेकिन जहाँ अपने आपस के अंदरूनी मामलात की बात आती है तो फिर ये आपस में लड़ते हैं अपने हुकूक के लिए, भी ये मेरा हक, वो मेरा हक,
ये दो बड़ी अजीब जो जंगें हुई ईसाइयों के दरमियान, ये इसलिए तो हुई आपस में, यहूदी ईसाई अगरचे इस्लाम के खिलाफ एक है लेकिन इनकी आपस में भी कितनी सारी दुश्मनियाँ हैं। कुरान इसको ही बयान कर रहा है कि बअसुहुम बैनहुम शदीद, इनके आपस के अंदर शदीद जंग चलती हैं। तहसबुहुम जमीअन व कुलूबुहुम शत्ता, आप इनको एक गुमान करते हो, एक प्लेटफार्म पर आप इनको देख रहे हो कि सारे लोग एक है, लेकिन व कुलूबुहुम शत्ता, इनके दिल फटे हुए हैं। ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ, और ये ऐसे लोग हैं कि इनके अंदर अल्लाह ने अकल नहीं रखी। वही वापस वही बात है, वहाँ समझ नहीं, यहाँ कहा कि अकल नहीं। अगर चाहिए आए थे हम आज के दौर में पढ़ रहे हैं कि ये वाक़िया 1400 साल पहले वाक़िया हुआ और उस वाक़े के ज़िम्मे में 1400 साल पहले ये आयत अल्लाह ने नाज़िल फरमाई, लेकिन ज़रा सा इस आयत को अगर हम इस हालत हाज़रा पर अगर हम फीड करें, आज जो ये गज़ा और हमास के दरमियान की जो जंग है इसराइल की, आप देखिए पूरा ऐसा लग रहा है कि पूरी आयत इनके ऊपर फिट आ रही है। अब जरा इस आयत को खोलिए अपने अंदर, 60 दिनों से जो मुकाबला चल रहा है और इस मुकाबले के अंदर ये किस तरीके से मुसलमान जम कर शहादतों का नजराना पेश करके इनके खिलाफ जमे हुए हैं, और मुकाबले में देखो कितनी सुपर पावर ताकत जो अपने आप को कहने वाली है और कितना उनका नुकसान हो रहा है कि आपस में जब ये हुआ तो इनके अंदर के फौजी इनकी हुकूमत के खिलाफ हो रहे हैं। वो बअसुहुम बैनहुम शदीद तहसबुहुम जमीअन, आपस में इन्हीं के खिलाफ दूसरे मुल्कों में मुजाहरे हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है, इन्हीं के खिलाफ रैली निकल रही है कि भाई इस तरीके से ना किया जावे, जंगबंदी की जावे। ये अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर 1400 साल पहले इस आयत को नाजिल फरमा कर आज हमारे सामने याद जब हम पढ़ते हैं लग रहा है कि गोया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कयामत तक आने वाले यहूदियों की पोल खोल कर रख दी और कयामत तक के लोगों को बता दिया कि इनसे डरने की जरूरत नहीं, ये बुजदिल कौम है, ये बुजदिल कौम है, कभी मैदान में आकर सामने मुकाबला नहीं करेगी। लेकिन अल्लाह माफ़ फरमावे, अल्लाह माफ़ फरमावे, आज जब ये गज़ा के जो मुजाहिदीन जब लड़ रहे हैं तो कितने नाजान अनजान, और यूँ समझिए कि जिनके सामने ये तारीख नहीं है वो इनके ऊपर सवालात कर रहे हैं कि क्या ज़रूरत थी इनको इस तरीके से इकदाम करने की और इस तरीके से लड़ने की, और कितने बच्चे शहीद हो गए और कितने जो है जवान शहीद हो गए, कितनी औरतें बेवा हो गई। ये वो लोग हैं कि जिनके सामने तारीख नहीं है, जिनको अल्लाह के नबी की बातों पर भरोसा नहीं है। आप सीरत का मुताला कीजिए, हदीसों को पढ़िए, अल्लाह के नबी ने कयामत से कयामत कुर्बे कयामत से पहले जो पेशन गोया बताई थी कि क्या क्या होने वाला है, और ये मुल्क शाम की इलाके के लिए अल्लाह के नबी की क्या क्या पेशन गोया थी, किसी किसी बशारत इनके लिए मिलती हैं और लोग इन पर एतराज़ करते हैं। ऐसे मौके पर तो हमारा यकीन अल्लाह की ज़ात पर और बढ़ना चाहिए कि जो हालात अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले सहाबा के सामने बयान फरमाए थे आज हम अपनी आंखों से सारे हालात देख रहे हैं। अल्लाह ताला जब इंसाफ को दुनिया में कायम करेगा इससे पहले पहले पूरी दुनिया में जुल्म भर जाएगा, मुसलमानों पर जुल्म होगा इंतहाई तरीके का। ऐसे मौके पर मुसलमानों को हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, ऐसे मौके पर मुसलमानों को तबसरे करने की जरूरत नहीं है, अपने यकीन को और मजबूत करके आइंदा के लिए लाए अमल तय करने की जरूरत है। अल्लाह की नुसरत यकीनी है, जो जो हालात सख्त होते जा रहे हैं, जो जो हालात मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, यूं यूं हमारा यकीन ये बनना चाहिए कि अनकरीब मुसलमानों की लिए अल्लाह की नुसरत का यह वादा यकीनी हो रहा है। जितनी रात तन्हाई में तारीख होती जाती है, रात की तन्हाई जितनी, रात का अंधेरा जितना बढ़ जाता है, सुबह की उम्मीदें इतनी बढ़ती जाती हैं। ये यकीन पैदा करने की ज़रूरत है, सिर्फ अखबारों के ऊपर भरोसा है, टीवी चैनल में कोई बात कह दी, अखबार में कोई बात आ गई, इलेक्ट्रिक मीडिया ने कोई बात कह दी, हम उसको चला मारते हैं, देखो ये हुआ है, देखो ये हुआ है। लेकिन हम नहीं मुताला करते तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों का मुताला नहीं कर रहे, हम नहीं पढ़ रहे तो तारीख की किताबों को नहीं पढ़ रहे, सीरत की किताबों को नहीं पढ़ रहे, जिसके नतीजे में मुसलमान ये सवालात कर रहा है, कैसे कैसे सवालात इन पर किए जा रहे हैं। बहरहाल तो ये अल्लाह ताला इनकी पोल को खोल रहा है, तहसबुहुम जमीअन व कुलूबुहुम शत्ता, कि आपको लग रहा है कि सारे लोग एक प्लेटफार्म पर है लेकिन ऐसा नहीं है, इनके दिल आपस में फटे हुए हैं। ज़ालिका बिअन्नहुम क़ौमुन ला यअक़िलून, और ये वो बेअक़ल लोग हैं। कमथल लदीन मिन क़ब्लिहिम क़रीबन ज़ाक़ू वबाल अम्रिहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम, अभी जो बनू नज़ीर हैं जिन्होंने मुसलमानों के साथ ये मुआहदा तोड़ा, अल्लाह ताला इनकी मिसाल बयान फरमाया कि इनकी मिसाल तो उन लोगों जैसी है जो करीब ही इनसे पहले गुजरे, जिन्होंने अपने किए का मज़ा चख लिया। अब आपको उस वक्त भी बताया था कि यहूदियों के जो 3 किले थे, ये बनू नज़ीर की बात चल रही है, इससे पहले गज़वे खंदक जो सूरह अहज़ाब की तफसीर पूरी हुई उसमें आपको गज़वे कुरैज़ा के बारे में बताया था, इन्होंने भी इस अहदे को तोड़ दिया,
इस एग्रीमेंट को तोड़ा, इनको भी जिला वतन किया गया। उस वक्त आपको बताया बनू नज़ीर को, इस सूरत में बनू नज़ीर के बारे में आया कि बनू नज़ीर ने भी इस तरीके से मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, इनको भी निकाला गया। यहाँ तीसरे कबीले की बात है, बनू कैनुका ये भी यहूदियों का एक किला था। इन्होंने तो इन दोनों से पहले गज़वा बदर सन हिजरी 1 में जब हुआ उसी वक्त इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ इन मुशरिकीन की मदद की थी। जब गज़वा बदर हुआ उस गज़वा बदर के मौके पर इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ इन मुशरिकीन की मदद की थी। उसी वक्त जब अल्लाह के नबी को जब पता चला तो अल्लाह के नबी ने जो है मदीने में किसी सहाबी को गवर्नर खलीफा बनाया और मुसलमानों के लश्कर को लेकर इनके खिलाफ लड़ने के लिए चले। और इनके किले का मुहासरा, ये भी एक किले में थे मदीने से, तो वहाँ इनके किले का मुहासरा किया और उनको कहा कि भाई तुम हमारे मुकाबले में आ जाओ, तुमने इस तरीके से खिलाफ वर्जी की है। तो उस वक्त जो है इन्होंने 15 दिन के घेराव के बाद हथियार डाल दिए कि मुसलमान हमारे बारे में जो फैसला करे। तो अल्लाह के नबी ने उस वक्त फैसला किया था कि इनके सारे मर्दों को कत्ल कर दिया जाए, लेकिन वही फिर मुनाफिक का जो सरदार अब्दुल्ला इब्ने उबै बिन सलूल, उसने अल्लाह के नबी से खुशामद की कि या नबीला इस मरतबा जाने दो, पहला मौका है इनका, चूँकि वो पहला मौका था खिलाफ वर्जी का कि पहला मौका है जाने दो थोड़ी सी, चूँकि वो इनका साथी था वो तो मुनाफिक, तो अल्लाह के नबी सल्लम चूँकि ज़ाहिर में मुसलमान था तो इसकी बात मानते हुए इनके तो मर्दों को कत्ल करने के बजाय सारे कबीलों को वहाँ से मदीने से बाहर भगा दिया था और इनको कहा कि आपको मदीने में रहने की इजाज़त नहीं। चुनाचो पूरा कबीला बनू कैनुका ये मदीना छोड़कर मुल्क शाम का एक इलाका है अज़रआत वहाँ चला गया था। तो अल्लाह के अल्लाह ताला कुरान करीम में इन बनू नज़ीर को कह रहे कि तुम्हारी मिसाल भी उन लोगों जैसी ही जो इनसे पहले अपने किए का मजा चख चुके हैं, यानी क्या कि इनको भी जिला वतन कर दिया गया, तो तुम्हारा भी हाल ये हुआ कि तुमको भी अल्लाह के नबी ने मदीने से बाहर निकाल दिया और आखिरत में इनका क्या जो है नतीजा क्या होगा, वलहुम अज़ाबुन अलीम और इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। ये तो इनकी मिसाल बयान की, किसकी, बनू नज़ीर की। अब मुनाफिकीन की मिसाल बयान हो रही है, कमसल शैतान इज़ क़ाल लिल्इंसान इक्फुर, और इन मुनाफिकीन की मिसाल तो शैतान जैसी है। क्या कि जब वो शैतान लोगों से कहता है कि कुफ्र करो, फलम्मा कफर, जब लोग कुफ्र, कोई आदमी कुफ्र कर लेता है अल्लाह की जो है ईमान को छोड़कर कुफ्र के दायरे में आ जाता है, तो फिर शैतान क्या कहता है, इन्नी बरी हूँ मिन, कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और ये कहता है इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन, मैं तो अल्लाह से डरता हूँ जो तमाम जहानों का रब है। देखिए मुनाफिक की मिसाल शैतान से दी, अब उसको थोड़ा समझना पड़ेगा कैसे कि शैतान आपको मालूम है कौन है ये शैतान। तो जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया और इसका उनका पुतला बनाया तो इनके अंदर रूह डालने के बाद सारे फरिश्तों को हुक्म दिया था सजदा करने का, सब ने सजदा किया लेकिन इसने सजदा नहीं किया था। ये अगर फरिश्ता नहीं था लेकिन चूंकि इबादत करने की वजह से फरिश्तों की सोहबत रहने की वजह से इसके अंदर जो है वो फरिश्तों जैसी सिफात पैदा हो गई थी, लेकिन जब इसने सजदा नहीं किया कि मैं क्यों सजदा करूँ, अना खैरुम मिन, वो जिन्नात में सजदा हो तो कि मैं, तूने मुझे जिन्नात जिन्नात किस जिन्नात को अल्लाह ने आग से पैदा किया है और आग की खासियत क्या है कि आग हमेशा ऊपर को जाती है जब जलती है, तो और तूने जिस पुतले के वो बनाया है और जिसके सामने तू मुझे सजदा करने का हुक्म दे रहा है वो तो मिट्टी से बनाया है आदम, चूँकि इंसान को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया है, वो मिट्टी की खासियत क्या है, वो तो जब उछाला तो नीचे जाती हो, तो मेरा मकाम तो इससे ऊँचा है, मैं इसके सामने सजदा करूँ। अल्लाह के सामने दलील की, अल्लाह को इसकी दलील पसंद नहीं आई, अल्लाह ने उसको कयामत तक के लिए मर्दूद और अपने दरबार से भगा दिया और उसको अल्लाह ने कयामत तक की उसने मोहलत मांगी कि अल्लाह तू मुझे कयामत तक की मोहलत दे कि जा मैंने तुझे मोहलत दी। देखिए एक एक नुक्ते की बात आपको यह बता दूँ कि गुस्से का मौका है, अल्लाह ताला को कितना झड़ा आया होगा कि सारे फरिश्तों ने सजदे के सिर्फ उसने सजदा नहीं किया, अल्लाह के हुक्म की बात ठुकरा दी उसने। ऐसे जलाल के मौके पर भी जब अल्लाह उसको अपने दरबार से भगा रहा है उस मौके पर भी उसको मालूम था कि अल्लाह अगर सिर्फ जलाल में है, अल्लाह अगर सिर्फ गुस्से में है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ऐसा नहीं कि गुस्से में गलत फैसला कर दे। ऐसे मौके पर अल्लाह की मारे उसको इतनी थी कि अल्लाह इतने ऊँचे हैं मैं जो मांगूंगा अल्लाह मुझे देगा। उसने अल्लाह से एक रिक्वेस्ट की कि कोई बात नहीं तू मुझे दुनिया में भगा रहा है कयामत तक के लिए, लेकिन मुझे कयामत तक के लिए मुझे मोहलत दे दे। कि क्या मोहलत चाहिए, कि तेरे जितने भी बंदे दुनिया में आएंगे इन सबको मैं बहकाऊंगा और मैं पूरी टीम तैयार करूंगा जहन्नम में ले जाने के लिए, क्योंकि मैं तो जहन्नम में जाऊंगा तो मैं अकेले थोड़ी जाऊंगा, मेरे साथ मैं कयामत तक तेरे जितने बंदे आएंगे तमाम को बहकाऊंगा गुमराह करूंगा और पूरी टीम लेकर मैं जहन्नम में जाऊंगा। ये वो शैतान है। इसलिए कुरान करीम के अंदर बार बार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके बारे में हमें हुक्म दिया, इन्ना शैतान लकुम अदू फत्तखिदूहु अदूवा, कि शैतान तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है, तुम इसको अपना दुश्मन समझो, इसके बहकावे में आकर इसके फुसलावे में आकर तुम बहक मत जाओ। इसलिए तो उलमा ये फरमाते हैं कि शैतान किसी को हाथ पकड़कर सिनेमा की तरफ नहीं ले जाता,
किसी को हाथ पकड़कर बुराई की तरफ नहीं ले जाता। उसका काम तो है कि सिर्फ तुम्हारे दिल में वसवसे डालना है, उसका काम तो है कि सिर्फ तुम्हारे दिल में बुराई का इरादा पैदा करना है। आगे फिर तुम्हारे अंदर की जो नफ्स की ताकत होती है वो तुम्हें बुराई के ऊपर आमादा करती है। अब लोग शैतान को बुरा भला कहते हैं, वो शैतान शैतान तो कहता है, इसी कुरान में बयान करा है फलम्मा कफर, कि जब शैतान कहता है कि भाई कुफर करो, यानी कुफर कुफर के रास्ते जब वो हमवार करता है और कोई आदमी कुफर इख्तियार करता है तो फिर शैतान क्या कहता है कि मैंने तुझे थोड़ी कहा था कि तू काफिर बन जा, मेरा तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैदान महशर में भी सालों जब शैतान को मलामत करेंगे तो वो यही कहेगा, भाई मेरे को मलामत मत करो, अपने आप को मलामत करो, अपने नफ्स को मलामत करो, मेरा तो काम था सिर्फ तुम्हारे दिल में बात डालना, वसवसे डालना। तुम्हारी अंदर की अपनी नफ्स इतना कमज़ोर था कि तुम्हारा नफ्स तुम्हें बुराई की तरफ ले गया। इसलिए तो तफसीर अज़ीज़ी में शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने सूरह नास की तफसीर में तफसील से बता चुका हूँ कि शैतान किन किन तरीक़ों से इंसानों पर हमला करता है और कैसे कैसे रास्तों से इंसानों के ऊपर वसवसे डालता है, पूरी तफसीर शेख अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी ने बयान की है कि उसका काम सिर्फ रगलाना है, बहकाना है, आगे काम इंसान खुद करता है। इंसानों के दिलों में शुक्र को शुभात डालना, ईमान ख़राब करने के लिए उसके दिल में अल्लाह के बारे में सवालात डालना, अल्लाह के नबी के बारे में सवालात डालना, आखिरत के बारे में शक डालना, मरने के बाद की ज़िंदगी के बारे में शक डालना, जन्नत है कि नहीं उसके बारे में शक, जहन्नम है कि नहीं उसके बारे में शक, शुक्र के शुभात, अल्लाह इतने बड़े कादिर है तो अल्लाह कैसे करेंगे। मैं आपको यहाँ सिर्फ एक दो बातें बयान करके अपनी बात ख़त्म करूँगा। एक मरतबा शैतान बैठा हुआ था, समझने की ज़रूरत है उसको, तो उसके जो चेले थे उसके हाथ के नीचे काम करने वाले, उसने कहा कि जब किसी आलिम की मौत होती है तो तुम्हें बहुत खुशी होती है, और किसी आलिम के अलावा किसी आबिद की, जो आलिम नहीं है गैर आलिम है, जब उसकी मौत होती है तो इतनी खुशी नहीं होती जितनी कितनी किसी आलिम की मौत पर खुशी होती है। तो उसने कहा कि चलो मैं तुमको दिखाता हूँ। इस बात को समझने के लिए वो अपने चेले को लेकर एक आबिद के पास गया जो बड़ा इबादत गुजार था, और उसको जाकर कहा कि एक दिल में सवाल, चूँकि अल्लाह ताला ने शैतान को इतनी ताकत दी है वो किसी भी भेष में आ सकता है, किसी भी रूप में आ सकता है, बहुरूपी बनकर आ सकता है, कभी बुजुर्ग की शक्ल में तो कभी सांप के शक्ल में तो कभी कौन कौन सी शक्ल उत्तर कर सकता है। तो किसी आम आदमी की शक्ल में आया कि भाई मुझे एक दिल में वसवसा आ रहा है मेरे दिल में कि क्या आ रहा है, मैं आपसे वो पूछने के लिए आया हूँ कि वो ये आ रहा है कि अल्लाह ताला के बारे में सुना है कि अल्लाह वला कुल शय कदीर, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। हाँ, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, तो मेरे दिल में ये सवाल ये आ रहा है कि ये इतनी बड़ी कायनात, ये सात ज़मीनें, ये सात आसमान, ये सूरज, ये चाँद, ये तो सवाल ये आ रहा है कि अल्लाह ताला क्या एक अंडे के अंदर इतनी पूरी कायनात को अल्लाह एक अंडे में समा सकता है, डाल सकता है, ये मेरे दिल में सवाल हो रहा है। तो उसने कहा कि यार ये तो मेरे दिल में भी आ रहा है, अल्लाह कादिर तो है लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है। तो क्या नहीं हो सकता कि नहीं हो सकता यार, अल्लाह कादिर है लेकिन ऐसे ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, चला गया वहाँ से। फिर वो किसी आलिम के पास गया, ये सवाल किया, ये सारी बातें कि भाई अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है कि हाँ कादिर है, तो फिर ये पूरी कायनात, ये चाँद सूरज सितारे, ये एक अंडे में अल्लाह, तो अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है, वो तो हमारे लिए मुश्किल है। जब अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, जब अल्लाह ने हर चीज़ को अपनी कुदरत से पैदा किया, तो क्या अल्लाह इस बात पर कादिर नहीं है कि अल्लाह एक अंडे के अंदर पूरी दुनिया को समा दे। तो वो उठकर चला गया कि देखा यही फ़र्क है कि मैंने उस आबिद के दिल में एक वसवसा डालकर उसके लिए मैंने कुफर की सारे रास्ते खोल दिए। अब वो मैं तो कहकर चला गया, अब वो सोचेगा यार, तो उसके दिल में शक पैदा हुआ अल्लाह के बारे में, अल्लाह की कुदरत के बारे में, फिर क्या हुआ, धीरे 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 वो आदमी कुफर के रास्ते पर चला जाएगा। वो आलिम था, उसके दिल के अंदर अल्लाह की कुदरत का यकीन था, उसने साफ मना कर दिया, तो उसके इसलिए मुझे किसी आलिम के मरने पर खुशी ज़्यादा होती है। ऐसे शुभ शुभात लोगों के दिलों में वो डालता है, और इसके पास बहुत सारे जाल है, जैसे कबूतर जो लोग मछली पकड़ते हैं उसके पास जाल होती है मछली पकड़ने की, शैतान के पास एक जाल नहीं है, बहुत किस्म के जाल है, गुस्से का जाल है, लालच का जाल है, माल का जाल है, ओहदे का जाल है, औरतों का जाल है, सबसे बड़ा जाल औरतों का है, सबसे बड़ा जाल औरतों का है। इस आयत की ज़िम्न में तफसीर मज़हरी, तफसीर कुरतुबी, जो बड़ी बड़ी तफसीरी किताबें हैं, और इनके हवाले से मुफ्ती शफी साहब ने एक अजीब वाक्या लिखा है, इसी आयत की ज़िम्न में लिखा है कि बनू इसराइल में एक आबिद था, आबिद कितना बड़ा आबिद, इतना बड़ा आबिद कि उसकी इबादत का हाल ये किताबों में लिखा है कि 10 दिन रोज़ा रखता था और 10वें दिन इफ्तार करता था। हालांकि हमारी शरीयत में तो रात में इफ्तार, रात में रोज़ा नहीं है, बल्कि ग्रुप हो गया इफ्तार हो गया, उनकी शरीयत में था तो 10 दिन तक रोज़ा सुबह शाम और 10वें दिन इफ्तार करता था।
किसी उसके अंदर की रूह रूहानियत कितनी मजबूत होगी कि 10 दिन तक भूखा रहता था और 11 दिन वो इफ्तार करता था, और ऐसी उसकी पोजीशन 70 साल रही। कितने साल? 70 साल तक ऐसी उसने इबादत की कि 70 साल में उसका यही मामूल रहा। शैतान को पता चला कि इतना बड़ा आबिद है तो उसके पास, तो वो बुजुर्ग बनकर खुद वो जैसा आबिद बुजुर्ग था उसी बुजुर्ग की शक्ल में आया उसके पास। चूँकि एक बुजुर्ग दूसरे बुजुर्ग को पहचान लेता है, कहा कि ये भी कोई बुजुर्ग है, वो भी उसके बाद उसने भी एक अपना गिरजा का बना दिया, वो भी इबादत करने लगा। और ऐसी उसने भी इबादत की कि ये जो अबू सैद का जो आबिद था उसने कहा ये भी कोई बड़ी हस्ती लग रही है। कुछ दिनों के बाद वह था शैतान ही, लेकिन वो चूँकि उसको बहकाने के लिए आया था, तो बुजुर्ग कुछ दिनों के बाद फिर उसने कहा, दोस्ती होगी आपस में, कहा कि देखो मैं तो अब यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें एक वजीफा बता के जा रहा हूँ। तुम चूँकि बहुत बड़े अल्लाह वाले हो, 70 साल से तुम्हारी इबादत की हालत है, मैं आपको एक वजीफा बता के जा रहा हूँ, कोई बीमार तुम्हारे पास आवे तो तुम ये वजीफा पढ़ोगे, ये दुआ दम करोगे तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा, तो भी मालूम था कि भैया कोई अल्लाह वाले है, तो उसने उसको वजीफा बताया। अब देखिए शैतान किसी यहाँ उसको वजीफा बताया, उधर जो है चूँकि इसने लोगों पर अपना असर डालना शुरू किया, जो शैतानी जो असर है ना, ये जादू, ये टोटका और ये जो काला जो जो जादू होता है, ऐसा सब शैतानी असर है। इसकी वजह से जादू के साथ आदमी बीमार हो जाता है, ये सब शैतानी असरात हैं। ये आज पूरा धंधा मार्केट में चल रहा है, पूरा बिजनेस है ये। इस तरीके से लोग शैतानी जो लोग होते हैं ना, वो इसी तरह के धंधे करते हैं, जादू करवा के, टोटका करवा के लोगों को बीमार करना। तो एक तरफ उसने उनको उसको साबित को वजीफा बताया, दूसरी तरफ उसने ये चाल रमी के लोगों पर अपना असर डालना शुरू किया, किसी पर जादू किया, किसी पर लोग बीमार होना शुरू हो गए। अब ये लोगों को जाकर कहता कि देखो क्या हुआ, बीमार? हाँ बहुत दिनों से बीमार, वो फुला बुजुर्ग है फुला, जाकर उनसे कहो वो तुमको कोई वजह बताएंगे अच्छा हो जाएगा। वो शैतान ही उनके पास भेज रहा है। अब लोग आ रहे हैं और ये उसी शैतान का बताया वजीफा पढ़ रहा है और लोग अच्छे हो रहे हैं। जैसे वो दुआ वजीफा पढ़ता था और शैतान अपना असर उसके ऊपर से हटा लेता था, वो आदमी अच्छा हो जाता। ऐसा चलता रहा, लोग उससे बहुत मानूस हुए कि बहुत बड़ा अल्लाह वाले कि एक दम करते हैं और अच्छा हो जाता है। एक मरतबा उसको मौका मिल गया कि हाँ अब ये लोगों के अंदर इसकी दुकान जम गई है, अब इसको बहकाने दो। तो बनू इसराइल का बहुत बड़ा सरदार था, उसकी हसीन खूबसूरत एक लड़की थी, उसने अपना असर उस पर किया शैतान ने, वो बीमार हो गई, जादू का असर, बीमार ऐसी हुई, खूब दवाई की, उस दवाई का कुछ इलाज, चूँकि जादू की ऐसी हरकत होती है कि आदमी दवाई करने पर भी अच्छा नहीं होता है। तो इस शैतान उसकी उसके पास गुरु के शक्ल में गया कि एक फुला जगह पर एक आबिद है, इतना बड़ा इबादत गुजार है, अब उसके पास जाइए। तो सरदार अपनी बेटी को लेकर, हसीन लड़की को लेकर उसके पास आया। उसने कहा कि हाँ मैं आपको ये कहा कि कुछ दिन आपको अमल करना पड़ेगा ये, चूँकि आपके ऊपर बड़ा ख़तरनाक ये असर है। तो उसने कहा कि ठीक है भाई, मेरा वहाँ तो मकान दूर है, आपके करीब में मैं उसकी झोपड़ी बना देता हूँ। इस तरीके से उस हसीन खूबसूरत लड़की की वहाँ उसके करीब में झोपड़ी बना दी। चंद दिन तक वो उस पर दम करता था, उसकी तबीयत सुधरने को आ रही है। अब देखिए शैतान फिर उस आबिद के पास आया और उसके दिमाग में आप इतने बड़े बुजुर्ग के उसको इससे दूर क्यों रखा है, झोपड़ी दोनों अलग थी, एक झोपड़ी कर दी। और फिर क्या हुआ, दोनों का सेटिंग करवा दिया, गलत अफेयर में उसको डाल दिया। इतना बड़ा बुजुर्ग, इतना बड़ा आबिद, लेकिन उसके दिल के अंदर इसकी ऐसी मोहब्बत लड़की की बिठाई कि वो इस लड़की के चक्कर में पागल हो गया। और फिर क्या हुआ, वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था कि फिर वो जीना के अंदर मुब्तला हो गया वो आबिद। अब जब जीना हुआ, जीना के नतीजे में उसको हमल हो गया, प्रेगनेंट हो गई वो। अब उधर उसको मालूम नहीं उसके बाप को, तो छोड़कर गया है कि भाई मेरी बेटी जब अच्छी हो जाएगी मैं ले जाऊँगा। अब इधर इसको आबिद को डर लगा कि यार इतना बड़ा बुजुर्ग की बुजुर्ग वाला आदमी ये हमल वाली हो गई और लोगों में पता चलेगा तो मेरा क्या बनेगा। अब वो वापस शैतान आया बुजुर्ग की शक्ल में, देखो इसका भी रास्ता है अपने पास कि क्या कि लोगों की बदनामी से बचने के लिए एक काम करो, उसको यहाँ ही कत्ल कर दो। आज मार्केट में ये भी हो रहा है, पहले उसको ऊपर ये करने का और फिर उसको खलास कर देने का। ये पूरा सब शैतानी चक्कर है, ये इगवा का ये फूला जितना भी हो रहा है सब शैतानी चक्कर है, सब ये सब शैतान के चेले। कहा कि ये बात अच्छी है, बदनामी से बचना ही पड़ेगा, प्रेग्नेंट हो गई है, उसको कत्ल कर दिया वहाँ ही मर्डर करके। अब क्या कि भाई तुम्हारे करीब पे खड्डा खोदो, दफन कर दो, बात खत्म। जब वो आवे तो कह देना भाई यहाँ थी वो चली गई कहीं, मुझे क्या मालूम, इस तरह कह देना खुआ गई मेरे यहाँ से चली गई, बात खत्म हो जाएगी। अच्छा ये बहुत अच्छी बात है, दफन कर दिया। इधर ये शैतान उस सरदार के पास गया कि तुम्हारी लड़की के हालचाल पूछे कि नहीं पूछे, कि हाँ नहीं कि नहीं कि जाओ तो सही, तुम्हारी लड़की का मामला क्या है, क्या हुआ कि लम्हाई लड़की को तो उसने कत्ल कर दिया है, कि तुझे कैसे मालूम, कि चलो उसकी लाश दिखाओ। उसको तो मालूम था शैतान को कहाँ दफन किया है, जाकर खड्डा खोद कर देखा उसके करीब में तो वहाँ लड़की की लाश निकली, फाड़ा फूट गया पूरा।
तो सरदार ने कहा कि भाई तू इतना बड़ा ये बुजुर्ग बनकर तेरे पर भरोसा किया फला फला, उसके कत्ल का फैसला है, भाई इसको कत्ल कर दो, इसको फांसी के फंदे पर चढ़ा दो। उसको अपनी मौत का यकीन हो गया कि भाई ये, और उसको इस बात का भी यकीन हो गया कि सारी शैतानी हरकत थी, ये बुजुर्ग नहीं था, ये शैतान था जिसने मुझे बहका कर इस तरीके से गुमराह किया। अब शैतान फिर से आया उस आबिद के पास, अब वो आबिद तो पहचान गया। शैतान कहा कि देखो यहाँ तक तो पहुँच गए हो, तुम्हारे कत्ल का ऑर्डर हो चुका है, सुली का ऑर्डर हो चुका है, अभी भी बचने की उम्मीद है कि क्या? एक बात कहता हूँ, मुझे बात माननी पड़ेगी। क्या ओखफुर, मेरे सामने सजदा करो तो बच जाओगे। वो कैसे बचाओगे? वो मेरे हाथ में है, मैं बचा दूंगा तुम्हारे। बावजूद है कि ये बनू इसराइल चूंकि यहूदी भी अल्लाह को मानने वाले हैं, अल्लाह के सलाह किसी के सामने सजदा नहीं करते, अपनी मौत से अपने आप को बचाने के लिए बावजूद है कि अल्लाह के अलावा किसी के सामने सजदा करना जायज नहीं, उसने शैतान के सामने सजदा किया। इधर शैतान के सामने सजदा किया, शैतान ने कहा कि तूने कुफ्र इख्तियार कर लिया, अब मेरा तेरा कोई ताल्लुक नहीं, इन नहीं बरी उम्मीद, तूने तो कुफ्र इख्तियार कर लिया। अभी ये बातें चल रही थी, उसकी मौत इसी हाल में हो गई, कुफ्र की हालत में मौत चला गया। देखिए ये शैतान का किस तरीके से उसने पट्टी पढ़ाई, किस तरीके से पूरा इसने जाल बिठाया, ये औरतों के जाल में फंसा कर उसने इतने बड़े आबिद को जिसने 70 साल जिसकी बुजुर्ग का आलम हो कि 10-10 दिन वो इफ्तार करता था, इसने औरतों के जाल में फंसा कर उसको कुफ्र तक पहुंचा दिया। तो कयामत में भी वो यही कहेगा इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन, मैं तो अल्लाह से डरता हूँ, हालांकि वो अल्लाह से कोई डरता नहीं है, लेकिन एक जाहिर बात कहेगा। तो ये अल्लाह ताला फरमा रहे फकान आकीबतहुमा अन्नहुमा फिन्नार खालिदीन फीहा, इन दोनों का अंजाम यानी मुनाफिकीन का अंजाम और ये बनू नज़ीर का अंजाम और शैतान के पीछे चलने वाले सारे चेलों का अंजाम क्या होगा? फिन्नार खालिदीन फीहा, हमेशा हमें जहन्नम में रहेंगे, और वदालिक जज़ाउ ज़ालिमीन, और यही ज़ालिमीन का बदला, ज़ालिमीन चूँकि कुफ्र करने वाले शिर्क करने वाले सब क्या है? ज़ालिम है, इनका बदला यही है कि इनको हमेशा हमें जहन्नम में डाला जाए। अल्लाह पाक जो है हमारे शैतान के मकरूफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी हिफाज़त करे।